नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आई एग्जाम सॉल्यूशंस में दोस्तों आज हम इसरो डीसी जनरेटर का पार्ट फोर कंप्लीट करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन डीसी के आर्मेचर कोर साधारणता डैश से निर्मित होते हैं द आर्मेचर कोर ऑफ जनरेटर आर कॉमनली मेड ऑफ ए सिलिकन स्टील बी स्टेनलेस स्टील सी आयरन एंड डी हाई कार्बन स्टील दोस्तों डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर कोर्सिकन स्टील द्वारा बना होता है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है की यहाँ पे आर्मेचर कोर की बात हो रही है अगर बात आर्मेचर

उन सी दोटर का ओपन हो जाए या से खुल जाए हल्के लोड पर तो उस केस में क्या होगा मोटर अचानक से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेगी इसके दो रीजन होते हैं एक तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट तो अगर फील्ड करंट की वैल्यू जीरो हो जाए अचानक से तो स्पीड काफी हद तक बढ़ जाएगी यहाँ पे डीसी शंट मोटर की बात हो रही है अभी हम थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करा जाता है जैसे कि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को पहले ही एक सेपरेट सर्किट में कनेक्ट करा जाता है जब हम डीसी शंट मोटर में लाइट लोड अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आर्मेचर करंट होता है वो काफी ज्यादा लो होता है जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है ताकि वो टॉर्क को मेनटेन करके चल सके तो अगर अचानक से फील्ड सर्किट ओपन हो जाए तो उस केस में क्या होगा आपका फील्ड करंट एकदम

मोटर कौन सी है ए डीसी कंपाउंड मोटर बी डीसी शंट मोटर सी डीसी सीरीज मोटर एंड डी डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए या क्रेन के लिए या के लिए हम कौन सी डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का क्योंकि डीसी सीरीज मोटर हाई टॉक डेवलप करती है लो स्पीड पर और लो टॉक डेवलप करती है हाई स्पीड पर इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है इनिशियल फेज में जब हमें किसी लोड को लिफ्ट करना होता है तो हमें हाई टॉक की रिक्वायरमेंट होती है और वो हाई टॉक आपको कौन प्रोवाइड कर सकता है वो हाई टॉर्क आपको डीसी सीरीज मोटर प्रोवाइड कर सकती है सेम अगर हम बात करें, मोटर में वो टॉर्क कर सकता है, वो मोटर कर सकती है। क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे दोनों वाइंडिंग से करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसका टॉर्क हाई होता है टेबल भी दे रखा है डीसी सीरीज मोटर कहा यूज होती है ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होती एयर कम्प्रेसर में यूज होती है डीसी शंट मोटर का यूज होती है लेथ मशीन में यूज होती है सेंट्रिक्यूगल पंप में यूज होती है ब्लोअर में यूज होती है कन्वेयर में यूज होती है वेविंग मशीन में यूज होती है स्पिनिंग मशीन में यूज होती है डीसी कंपाउंड मोटर कहाँ यूज होती है प्रेस में यूज होती है एलिवेटर में यूज होती है रोलिंग मिल्स में यूज होती है स्टेपर मोटर आपकी थ्री डी प्रिंटिंग इक्विपमेंट में यूज होती है स्मॉल रोबोटिक्स में यूज होती है और सी एन सी मिलिंग मशीन में यूज होती है सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डीसी सीरीज मोटर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है विच मेथड इज नॉट करेक्ट टू चें

अगर हमें डीसी सीरीज मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं हम उसकी वाइंडिंग तो तो से जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी शेंट के केस के में हम क्या करते हैं हम फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं सीरीज मोटर केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम क्या करते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं और कंपाउंड मोटर में करते हैं कंपाउंड मोटर में हम फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं दोनों की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर कर तो करती है अब करंट की डायरेक्शन ब्रश के द्वारा डिटरमाइन होती है तो उसी से हम मोटर की रोटेशन का पता लगा सकते हैं तो अगर हमने ब्रश की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी उससे मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी राइट so, आंसर right

चीज पड़ी थी की जो डीसी मोटर है उसकी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बैक के और प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के और जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड करंट के तो बेसिकली अगर हम फील्ड करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा और जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था कि अचानक से अगर लोड हट जाए लाइट लोड जो हमने लगा रखा था डीसी शंट मोटर में वो हट जाए तो क्या होगा डीसी शंट मोटर अचानक से काफी तेज गति से चलने लगेगी तो सेम नियम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है अगर हम फील्ड करंट को कम कर

गति 500 rpm हो तब एक DC सेंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए पश्च पीएमएफ स्थारण 0.8 वोल्ट प्रति rpm है तो दोस्तों हमें यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो है 20 ओम का सेंट रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम मोटर की स्पीड n 500 rpm और सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट बैक ईएमएफ कांस्टेंट जीरो पॉइंट पर आर पी एम और कैलकुलेट कर सकते हैं e तो, तो बैक एम एफ हो जाएगा नाइनटी वोल्ट अब हम शंट फील्ड करंट को निकालेंगे वो कितना हो जाएगा आई एस एच इक्वल टू वी अपॉन आर एस एच यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है हंड्रेड वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस कितना है टू हंड्रेड तो ये निकल के आएगा जीरो पॉइंट फाइव एमपेर और डी सेंट में सप्लाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है वी एस इक्वल टू ईवी प्लस आई ए आर ए तो यहाँ से हम आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं वो कितना हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक EMF अपॉन में आर ए तो सप्लाई वोल्टेज हमारे पास 100 है बैक ई हम निकाल चुके थे कितना था 90 था और आर्मेचर रेजिस्टेंस 2 ओम था सॉरी मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 20 ओम लिख दिया लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वो 2 ओम है तो ये निकल के आएगा दोस्तों इज टू अपॉन में अब सप्लाई करंट क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आर्मेचर करंट प्लस में शंट करंट तो आर्मेचर करंट कितना है फाइव है शंट करंट हमने निकाल दिया था जीरो तो सप्लाई करंट कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है डैश मोटर की गति व्यवहार रूप से स्थिर है द स्पीड ऑफ डैश मोटर इज प्रैक्टिकली ए शंट मोटर बी डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर सी सीरीज मोटर एंड डी कंपाउंड मोटर दोस्तों डीसी डीसी शंट शंट मोटर मोटर की स्पीड प्रैक्टिकली रहती है में फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग को में कनेक्ट करा जाता है एक सेपरेट सर्किट में और डीसी शंट मोटर का जो फील्ड करंट रहता है वो प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट रहता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है

टिक फील्ड बनाती है और यह मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड को अपोज करता है तो जिसकी वजह से मेन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्ट्रॉशन पैदा होता है और मोटर की एफिशियंसी कम होती है और दोस्तों इंटरपोल को मेन पोल के बीच में लगाया जाता है जैसे की आप इस डाय में देख सकते हैं ये आपके मेन

फील्ड को अपोज करता है जिसकी वजह से डीसी मोटर में डिस्ट्रोशन पैदा होता है और इसी डिस्ट्रोशन को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन तो इसी वजह से जो डीसी जनरेटर ने ओवरऑल फ्लक्स जनरेट करा वो कम हो जाता है तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से दो अनडिजायरेबल इफेक्ट पैदा होते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन क्या करती है ये मेन फील्ड फ्लक्स को कम कर देती है और दूसरा ये क्या करती है ये मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्ट्रॉट भी कर देती है तो इससे जो ओवरऑल एफिशियंसी है आपकी डीसी जनरेटर की वो काफी हद तक कम हो जाती है और आर्मेचर रिएक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ये करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है फील्ड करंट का काम क्या है फील्ड करंट का काम मेन मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है और इस मेन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टोर्ड कौन कर रहा है आर्मेचर आर्मेचर करंट कर कर रहा है है या रिएक्शन रही सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर रिएक्शन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग